दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुनो कहानी हॉरर के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है वीरेन और आज मैं आपको शेरलॉक होम्स की एक बेहद ही रोमांचक थ्रिलर कहानी सुनाने वाला हूँ। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स की नजर टेबल पर पड़े उस न्यूज़पेपर पर ही थी जिसे अभी तक पढ़ने के लिए खोला भी नहीं गया था। डॉक्टर वॉटसन कुछ बोल रहे थे और उनकी बातों को सुनकर शेरलॉक होम्स केवल धीरे से मुस्कुरा रहा था क्योंकि डॉक्टर वॉटसन वहां के मौसम की बहुत बुराई कर रहे थे और जैसे इन बातों का शेरलॉक पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो जानता था कि वो एक डिटेक्टिव है और किसी भी परिस्थिति में बौखलाना या उत्तेजित होना उसके स्वभाव में शामिल नहीं था और मौसम के उतार चढ़ाव भी ऐसी ही परिस्थितियों में शामिल थे। शेरलॉक बोला, तुम भूल रहे हो वॉटसन कि इस जगह के कारण ही आज हम दोस्त हैं। इस जगह ने मुझे तुम जैसा और तुम्हें मुझ जैसा दोस्त दिया, तो इस जगह को कोसने के बजाय तुम्हें इससे प्यार करना चाहिए। डॉक्टर वॉटसन बोले, तुम्हें तो गर्म मौसम पसंद है शेरलॉक, लेकिन मुझे गर्म मौसम पसंद नहीं। वैसे इस जगह को मैं कोस नहीं रहा था बल्कि क्रेटोन जैसी ठंडी जगहों में रहने वाले लोगों के बारे में सोच रहा था। वहां के लोगों का स्वभाव नरम और काफी दोस्ताना होता है। शेरलॉक बोला, हो अच्छा तो ये बात है, तो चलो क्यों ना तुम्हें तुम्हारी उसी सपनों की दुनिया में ले जाया जाए। डॉक्टर वॉटसन ने तुरंत अपनी निगाहें शेरलॉक होम्स की तरफ घुमाई और उन्हें घूरते हुए बोला, आप एक डिटेक्टिव है शेरलॉक होम्स, कोई जादूगर नहीं। की छड़ी घुमाई और हम तुरंत क्रेटोन पहुंच गए। शेरलॉक बोला, हाँ मैं डिटेक्टिव हूं इसीलिए तो कह रहा हूं, ये लो इसे पढ़ो। शेरलॉक होम्स ने टेबल में रखे अखबार की एक न्यूज के ऊपर उंगली रखते हुए कहा और उस अखबार को डॉक्टर वॉटसन की तरफ सरका दिया। डॉक्टर वॉटसन की नजर अखबार के उस समाचार पर जा टिकी। वहां सच में एक रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर छपी थी। उस खबर के मुताबिक क्रेटोन शहर के क्रॉस स्ट्रीट में रहने वाली एक महिला मिस सुजैन को दोपहर की डाक से एक पार्सल मिला था। मिस सुजैन ने जब वो पार्सल खोला तो उस पार्सल के अंदर एक कार्डबोर्ड बॉक्स मिला। कार्डबोर्ड बॉक्स को खोलने के बाद मिस सुजैन के होश उड़ गए क्योंकि वो बॉक्स नमक से भरा हुआ था और उसके ऊपर बड़े ही व्यवस्थित तरीके से दो कटे हुए कान रखे हुए थे। सफेद नमक पर जमे हुए खून के लाल धब्बों के बीच रखे हुए वो दो कटे कान काफी डरावने लग रहे थे। उन कटे कानों को देखकर मिस सुजैन की टांगे कांपने लगी थी और दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। इंस्पेक्टर लेस्ट्रीड के नेतृत्व में तुरंत पुलिस की एक टीम मिस सुजैन के घर आ पहुंची। जांच में पाया गया कि पार्सल को बेलफास्ट के डाकघर से भेजा गया था। मिस सुजैन को मेडिकल के उन तीन छात्रों पर शक था जो पिछले दिनों उनके घर पर किरायेदार के रूप में रह रहे थे। वो तीनों उनकी छत के ऊपर वाले कमरे में रहते थे। मिस सुजैन उनसे किसी बात पर नाराज हो गई थी जिसके कारण उन्होंने उन तीनों स्टूडेंट्स को अपने घर से निकाल दिया था। अब उन्हें लगा कि शायद इसी कारण उन स्टूडेंट्स ने उसे परेशान करने के लिए या डराने के लिए ऐसी गिरी हुई हरकत की है। उनके मुताबिक मेडिकल के छात्र होने के कारण ऐसा करना उनके लिए ज्यादा आसान और सुविधापूर्ण था। हो सकता है कि प्रयोग के लिए या ऑटोप्सी के लिए उन्हें मिले किसी मुर्दे के कान उन्होंने काट लिए हों। मिस सुजैन के मुताबिक उनमें से एक छात्र बेलफास्ट का ही रहने वाला था जहां के डाकघर से वो पार्सल आया था, इसलिए उनका शक और पक्का हो गया। उस अखबार की पूरी खबर पढ़ने के बाद जैसे ही डॉक्टर वॉटसन ने शेरलॉक की तरफ देखा, शेरलॉक ने एक कागज डॉक्टर वॉटसन की तरफ बढ़ा दिया। डॉक्टर वॉटसन बोला, अब ये क्या है? शेरलॉक होम्स बोला, टेलीग्राम माय डियर, इंस्पेक्टर लेस्ट्रीड ने हमें वहां बुलाया है और इस केस की छानबीन के लिए हमारी मदद मांगी है। तुम मेरे जिगरी दोस्त हो डॉक्टर वॉटसन, तो वहां चलने के लिए एकदम तैयार हो जाओ। अंधे को क्या चाहिए दो आंखें। भीषण गर्मी झेल रहे डॉक्टर वॉटसन की तो जैसे मनमानी मुराद पूरी हो गई थी। वो क्रेटोन जाना चाहते थे और अब वो क्रेटोन जा रहे थे। उनका सपना सच हो रहा था। अगले दिन ट्रेन से क्रेटोन की ओर जाने से पहले शेरलॉक होम्स ने इंस्पेक्टर लेस्ट्रीड को एक टेलीग्राम द्वारा अपने और डॉक्टर वॉटसन के आने की सूचना भेजी।
जब वो दोनों क्रेटोन के पुलिस स्टेशन पहुंचे तब उस समय वहां हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मौसम सुहावना था, लेकिन शेरलॉक होम्स जानते थे कि वो वहां मौसम का मजा लेने या छुट्टियां बिताने नहीं आए। लेकिन डॉक्टर वॉटसन जरूर खुश थे कि वो वहां आ पहुंचे हैं जहां वो आना चाहते थे। वहां पहुंचकर उन्होंने एक अच्छे होटल में एक कमरा लिया। अपना सामान कमरे में रखने के बाद वो दोनों क्रॉस स्ट्रीट की तरफ चल दिए। शेरलॉक को केस निपटाने की कभी जल्दी नहीं होती, लेकिन गुनाह और गुनहगारों से उन्हें बेहद नफरत थी। वो चाहते थे कि गुनहगार को वो जल्द से जल्द उसके अंजाम तक पहुंचा दे और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं, क्योंकि जो उस गुनाह का विक्टिम होता है वो अपराधी के बच जाने से सबसे ज्यादा पीड़ित होता है। उसे दो गुनी मार झेलनी पड़ती है। अपराध को झेलने के अलावा अपराधी के बच निकलने का दुख भी उसे झेलना पड़ता है। वहां पहुंचकर उन्होंने इंस्पेक्टर लेस्ट्रीट को अपना इंतजार करते पाया। लेस्ट्रीट ने पूरी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। शेरलॉक होम्स को वहां देखकर इंस्पेक्टर लेस्ट्रीट के चेहरे पर आत्मविश्वास की एक अलग ही चमक आ गई। वो शेरलॉक होम्स को अच्छे से जानते थे। वो जानते थे कि अगर शेरलॉक वहां आ गया है तो अब केस की सभी जटिलताएं खत्म हो जाएंगी। उनके सामने जटिल से जटिल केस भी अपनी जटिलताएं खो देते हैं, और फिर ये शातिर अपराधी अपराध करते समय कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ देते हैं, और जो सुराग किसी की नजर में नहीं आता वो शेरलॉक होम्स को नजर आ जाता है। शेरलॉक की मौजूदगी में इंस्पेक्टर लेस्ट्रीट को ये पक्का उम्मीद हो चुकी थी कि अब केस बहुत जल्द ही सुलझ जाएगा। इंस्पेक्टर लेस्ट्रीट शेरलॉक को मिस सुजैन के घर लेके गए। मिस सुजैन की उम्र करीब 50 के आसपास रही होगी। वो बहुत परेशान और नर्वस थी। उनकी परेशानी भी जायज थी। वो अभी तक उस रहस्य को समझ नहीं पाई थी कि किसी ने उनके साथ ऐसी विभत्स और घिनौनी हरकत क्यों की। मिस सुजैन ने सवालिया नजरों से शेरलॉक और इंस्पेक्टर लेस्ट्रीट की तरफ देखा। इंस्पेक्टर लेस्ट्रीट ने मिस सुजैन को शेरलॉक होम्स का परिचय दिया, और फिर मिस सुजैन शेरलॉक को उस पार्सल के पास लेकर गई जिसके अंदर खून से लथपथ दो कटे हुए कान रखे हुए थे। शेरलॉक की बास जैसी निगाहें उस कार्डबोर्ड बॉक्स के ऊपर जा टिकी, और फिर उस बॉक्स को खोला गया। उसकी तीखी निगाहें बॉक्स का मुआयना करने लगी। ऐसे समय शेरलॉक की आंखें किसी मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करने लगती हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म, महीन से महीन सबूतों का भी उस समय चूकना नामुमकिन हो जाता था। शेरलॉक ने गौर किया कि वो कार्डबोर्ड बॉक्स एक चौकोर आकार का आधे पौंड का बॉक्स था, और वो नमक से पूरा भरा हुआ था। शेरलॉक ने एक ब्रश की मदद से उस नमक को इधर उधर हटाया और एक चिमटे की मदद से उसके नीचे दबे हुए दो कटे हुए कान बाहर निकाले, और फिर उसने उन कटे हुए कानों को अपनी नजर के सामने लाकर बड़े गौर से उनका निरीक्षण किया, और फिर उसने इंस्पेक्टर लेस्ट्रीट को बताया कि ये दोनों कटे हुए कान किसी एक इंसान के नहीं बल्कि दो अलग अलग इंसानों के हैं। ये सुनकर इंस्पेक्टर लेस्ट्रीट उछल पड़ा और बोला, इस तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान अक्सर ऐसी चूक हो जाया करती है, और ऐसी ही गलतियों की वजह से अक्सर अपराधी जुर्म करके बच जाया करते हैं। क्राइम स्पॉट पर मिला हुआ एक छोटे से छोटा बाल भी अक्सर बहुत बड़ा सबूत हो सकता है। शेरलॉक ने इंस्पेक्टर लेस्ट्रीट की ये बातें सुनी और मुस्कुरा दिया, और फिर आगे बोला, इंस्पेक्टर साहब, मेरा मतलब है कि इनमें से एक कान एक औरत का है और दूसरा एक आदमी का। देखो, इस वाले कान में एक छेद है, ऐसा छेद औरतों के कानों में होता है जो इयररिंग्स पहनती हैं, और ये दूसरा वाला कान जिस आदमी का है वो सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में रहा है, इसलिए सूर्य के ताप की वजह से इसका कान काला पड़ चुका है। अक्सर औरतें लंबे समय तक सूर्य के संपर्क में नहीं रहती। और एक दूसरी गौर करने वाली चीज ये है कि इस पार्सल को एक विशेष तरीके से बांधा गया है। ऐसा तरीका आम लोग इस्तेमाल नहीं करते। इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, शेरलॉक आगे बोला। इस विशेष गांठ पर मेरा ध्यान इसलिए गया क्योंकि मिस सुजैन ने इस गांठ को खोलने के बजाय इसको काट कर खोला। अगर वो इस गांठ को खोल पाती तो जरूर खोल देती, और तब मैं इस गांठ के क्लू को नहीं देख पाता।
फिलहाल इससे ज्यादा मैं अभी और कुछ नहीं कह सकता। मैं अभी किसी भी नतीजे पे पहुंचने की जल्दबाजी में नहीं हूं। सभी सबूतों को इकट्ठा करने के बाद ही मैं किसी नतीजे पर पहुंच पाऊंगा और मैं विश्वास दिलाता हूं कि यह बहुत जल्दी होगा। इंस्पेक्टर लेस्ट्रीड बोला, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने मेडिकल के उन तीनों स्टूडेंट्स की जांच करने के लिए दो आदमी उनके पास भेजे हैं। लेस्ट्रीड ने शेरलॉक को कुछ इस तरह बताया जैसे वो भी इस मामले में चुप नहीं बैठा है, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी चालू है। उसकी इस बात पर शेरलॉक ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। लेस्ट्रीड शेरलॉक के देखने के अंदाज से ही समझ गया था कि उसने जरूर कुछ गलत कर दिया है। शेरलॉक अपना सिर हिलाते हुए बोला, अगर तुम ये समझ रहे हो कि ये एक आम मेडिकल स्टूडेंट्स का काम है तो ये विचार अपने दिलो दिमाग से निकाल दो लेस्ट्रीड, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो कभी भी नमक का इस्तेमाल नहीं करते। लेस्ट्रीड ने प्रश्नपूर्ण निगाहों से शेरलॉक की तरफ देखा और बोला, अब ऐसा क्यों भला? शेरलॉक बोला, क्योंकि ज्यादातर मेडिकल स्टूडेंट्स अपने कॉलेज के हॉस्टल में ही रहते हैं। लैब में उन्हें नमक की जगह पर कार्बोलिक स्प्रिट आसानी से अवेलेबल होती है। वो कार्बोलिक स्प्रिट का इस्तेमाल करते ना कि सस्ते नमक का। इसके अलावा इस पार्सल पर लिखी गई अव्यवस्थित सी लिखावट पर गौर करो। मेडिकल के किसी स्टूडेंट की लिखावट इतनी खराब नहीं हो सकती। ये किसी कम पढ़े लिखे व्यक्ति का काम है। लेस्ट्रेड उसकी तरफ आंखें फाड़े देख रहा था और निश्चित ही मन ही मन सोच रहा था, उफ, ये आदमी है या कोई भूत? हमने तो सिर्फ दो कटे हुए कान देखे, इसने तो कान के बाल की खाल तक को देख लिया। इसने तो इन्वेस्टिगेशन की सारी हदें पार कर दी हैं। ये सच में जीनियस है। शेरलॉक ने आगे कहा, मेरे प्यारे दोस्त, क्राइम सीन में जो दिखता है ना, वो अक्सर हकीकत नहीं होता। अभी और भी बहुत कुछ हो सकता है। हो सकता है कि दोनों व्यक्तियों का खून करके इनके कान काटे गए हों। अभी हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। देखिए आगे क्या क्या होता है। फिलहाल तो इन कानों को जैसे का तैसा प्रिजर्व करवा दो ताकि खराब ना हो। ऐसा कहते हुए शेरलॉक होम्स हवा के झोंके के समान उस तरफ बढ़ गया जिस तरफ मिस सूजन उनकी प्रतीक्षा में थी। डॉक्टर वॉटसन शेरलॉक के पीछे पीछे चल दिए और इंस्पेक्टर लेस्ट्रीड वापस पुलिस स्टेशन लौट गए। शेरलॉक सदे हुए कदमों के साथ चलते हुए बरामदे को पार करके मिस सूजन के कमरे तक जाने लगा और फिर वो उनके लिविंग रूम में पहुंच गया। वहां मिस सूजन बड़ी बेसब्री से शेरलॉक का इंतजार कर रही थी। वो ये जानने को बेताब थी कि शेरलॉक होम्स उस पार्सल को भेजने वाले का कोई सुराग खोज पाए हैं या नहीं। उस पार्सल के कारण मिस सूजन की रातों की नींद हराम हो चुकी थी। उनकी टेंशन बढ़ती जा रही थी और इसी कारण उनके होंठ जैसे मुस्कुराना भूल चुके थे। उनकी भूख प्यास सब डिस्टर्ब थी। शेरलॉक कमरे की हर स्थिति को, हर चीज को, दीवारों की पेंटिंग्स को, तस्वीरों को और फिर सूजन को बड़ी ही पैनी निगाहों से देख रहा था। शेरलॉक और डॉक्टर वॉटसन मिस सूजन के सामने सोफे पर जा बैठे। उनके बैठने का अंदाज पुलिस से थोड़ा भिन्न था। उनके अंदाज में आत्मविश्वास था, लेकिन निगाहें जिस प्रकार से मिस सूजन को घूर रही थी उससे मिस सूजन को घबराहट हो रही थी। हालांकि ऐसा करने का शेरलॉक का कोई इरादा नहीं था। अपने काम की प्रकृति के कारण शेरलॉक केवल मिस सूजन के चेहरे के भावों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। ऐसा अक्सर होता था कि कई बार शातिर अपराधी सामान्य भाव के साथ शेरलॉक से मिलते थे और आखिर में वही अपराधी निकलते थे। शेरलॉक की आंखें तीर की तरह ऐसे शातिर अपराधियों के चेहरे पर छुपे हुए भावों तक पहुंचने की कोशिश करती थी। कई बार शेरलॉक की ऐसी हरकत ही अपराधी को बौखलाने के लिए काफी होती थी। तो मिस सूजन, आपकी दो बहनें हैं? शेरलॉक ने एकदम से सवाल किया, जबकि मिस सूजन को लगा था कि शेरलॉक कटे हुए कानों वाले पार्सल के बारे में कुछ कहेगा। हाँ, सारा और मैरी। मिस सूजन स्वीकृति में सिर हिलाते हुए मेंटल पीस पर रखे एक ग्रुप फोटो को देखकर धीमे से बोली, हम तीन बहनों में मैं सबसे बड़ी हूं, लेकिन इंस्पेक्टर लेस्ट्रीड कह रहे थे कि आप डिटेक्टिव हैं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इस केस में डिटेक्टिव की क्या जरूरत। ये केस तो एकदम साफ है। ये हरकत उन्हीं मेडिकल वाले लड़कों की है, उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करते? शेरलॉक ने मिस सूजन का जवाब नहीं दिया, बल्कि एक दूसरी फोटो को देखकर वो बोला, आपकी छोटी बहन मैरी का यह फोटो लिवरपूल में लिया गया है।
मैं जानना चाहता हूँ कि इस तस्वीर में जो उसके साथ ये नेवी के स्टुअर्ट की वर्दी पहने ये आदमी कौन है? क्या ये उसका हस्बैंड है? मिस सूजन बोली, नहीं मिस्टर शेरलॉक, ये मैरी का शादी से पहले का फोटो है। इसकी शादी तो मिस्टर ब्राउनर से हुई है और इस तस्वीर में जो इसके साथ है वो मैरी का बेस्ट फ्रेंड फ्लेयरबन है। इत्तेफाक से फ्लेयरबन भी नाविक है। लेकिन इन सब बातों का उस पार्सल से क्या रिलेशन है? शेरलॉक ने मिस सूजन की आंखों में देखा और बोला, मिस सूजन, क्या आपके सीने में दिल धड़कता है? मिस सूजन आश्चर्य से बोली, क्या मतलब? शेरलॉक बोला, मिस सूजन, आप मेरे सवाल का जवाब दें, क्या आपके सीने में दिल धड़कता है या नहीं? ऑफ कोर्स धड़कता है, मिस सूजन बोली, इसलिए तो मैं जिंदा हूं। फिर शेरलॉक ने मुस्कुराते हुए डॉक्टर वॉटसन की तरफ देखा और बोला, डॉक्टर वॉटसन, क्या आप मिस सूजन की धड़कन देख पा रहे हैं? डॉक्टर वॉटसन ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर वॉटसन जानते थे कि उनको तुरंत जवाब देना भी नहीं था। ये कैसा सवाल है? कोई किसी की धड़कन को कैसे देख सकता है? मिस सूजन ने अजीब सी निगाहों से शेरलॉक की तरफ देखा। शेरलॉक बोला, घटनास्थल या अपराधी से जुड़े हर व्यक्ति के आसपास ऐसे कई छुपे हुए राज होते हैं जो कई बार उस केस की धड़कन होते हैं दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन उनका गहरा संबंध उस केस से होता है। जैसा आप उन धड़कनों के कारण जिंदा है, वैसे ही केस भी उस कारण तब तक जिंदा रहता है जब तक कोई धड़कनों को महसूस नहीं कर लेता। धड़कनों को महसूस करने के लिए केवल यही देखना काफी होता है कि व्यक्ति जिंदा है। जैसा कि आपने भी कहा मिस सूजन, कि ऑफ कोर्स आपका दिल धड़क रहा है, तभी तो आप जिंदा हैं। मैं जानता हूं कि अभी केस सुलझा नहीं है, इसलिए केस की धड़कनों को महसूस करके इस घटना के जिम्मेदार व्यक्ति तक पहुंचने की मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा। शेरलॉक अचानक से खड़ा हुआ और मिस सूजन के पीछे पहुंचकर मिस सूजन को बड़े ध्यान से और उनके कानों की तरफ बारीकी से कुछ देखने की कोशिश करने लगा। उसका ये अंदाज किसी के भी दिमाग को चकरा देने के लिए काफी था। ये समझना आसान नहीं था कि सूजन के कानों के नीचे वो क्या देखने की कोशिश कर रहा था। शेरलॉक की बातें शेरलॉक ही जाने। शेरलॉक की आंखें जो देखती हैं, शेरलॉक का दिमाग जो सोचता है या जानता है, उसे वो खुद ही समझ सकता है। उसकी ऐसी हरकतें ही उसे जीनियस बनाती थी, क्योंकि उसमें एक अर्थ छुपा होता था, एक गहरा राज। मिस सूजन का ध्यान सामने की तरफ था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि शेरलॉक उसके पीछे खड़ा होकर उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देख चुका है। शेरलॉक वापस मिस सूजन के सामने आकर सोफे में बैठते हुए बोला, मिस सूजन, अब आप मुझे ये बताएं कि आप अपनी इस बहन मैरी से पिछली बार कब मिली थी? मिस सूजन बोली, मैं समझ नहीं पा रही हूं कि आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूं कि हम दोनों अक्सर एक दूसरे के घर आते जाते रहते हैं, और अभी कुछ समय पहले ही मेरी दूसरी बहन सारा मैरी के घर उससे मिलने गई थी। सारा मैरी के घर में लगभग एक हफ्ता रुककर अपनी छुट्टियां वहां बिताकर वापस अपने घर आने वाली थी, लेकिन वो बहुत जल्दी ही वापस आ गई। इसका कारण मिस्टर ब्राउनर था। उसे पीने की लत थी। शराब पीने के बाद वो अक्सर होश खो देता था। शायद मैरी और ब्राउनर के बीच कुछ ऐसा हुआ था जो सारा को पसंद नहीं आया, इसलिए वो वापस अपने घर चली गई। ओके मिस सूजन, अचानक से शेरलॉक खड़ा होते हुए बोला, मुझे आपकी दोनों बहनों से मिलना होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि उन दोनों से मेरी मुलाकात इस केस में काफी अहम सिद्ध होगी। शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन ने वहां से विदा ली। रास्ते में टेलीग्राफ ऑफिस में रुककर शेरलॉक ने अपने एक डिटेक्टिव दोस्त एल्गर को एक टेलीग्राम भेजा। एल्गर भी लिवरपूल में ही रहता था। शेरलॉक ने उसे मैरी और मिस्टर ब्राउनर का पूरा पता देते हुए उनकी प्रत्येक गतिविधियों पर नजर रखने को कहा। उसके बाद वहां से दोनों एक घोड़ा गाड़ी द्वारा न्यू स्ट्रीट की तरफ चल दिए। न्यू स्ट्रीट वेलिंगटन में ही था जहां सारा रहती थी, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें सारा के बीमार होने का पता चला। उसे ब्रेन फीवर हुआ था। उनके डॉक्टर ने शेरलॉक को दरवाजे पर ही खड़े खड़े ये जानकारी दी और कुछ दिन बाद आने की सलाह देते हुए उन्हें वहां से जाने को कहा। शेरलॉक ने भी सारा से मिलने की कोई जिद नहीं की, शायद उसने जरूरत ही नहीं समझी। शेरलॉक जो कुछ भी जानना चाहता था वो शायद सारा से मिले बिना ही जान चुका था। शेरलॉक होम्स कब, क्या और क्यों सोच रहा है कोई भला क्या जाने। वैसे भी वो एक बीमार व्यक्ति को क्यों डिस्टर्ब करना चाहेगा।
उसने डॉक्टर की सलाह पर सहमति में सिर हिलाया और जाने के लिए पलट गया। उस समय दोपहर हो चुकी थी। भूख के मारे दोनों के पेट में चूहे कूद रहे थे। वहां से लंच के लिए वे सीधा एक रेस्टोरेंट में पहुंचे और लंच ऑर्डर किया। लंच के समय शेरलॉक का सारा ध्यान केवल लंच पर ही था। उसके बाद दोनों आराम करने के उद्देश्य से वापस अपने होटल में आ गए, लेकिन वहां एक टेलीग्राम शेरलॉक का इंतजार कर रहा था। होटल के रिसेप्शनिस्ट ने शेरलॉक को एक टेलीग्राम दिया। शेरलॉक ने देखा, टेलीग्राम इंस्पेक्टर लेस्ट्रीड की ओर से भेजा गया था। उस टेलीग्राम में लिखा था कि लेस्ट्रीड उस समय न्यू ब्राइटन में था, जहां एक सनसनीखेज खबर शेरलॉक का इंतजार कर रही थी। उसमें यह भी लिखा था कि शेरलॉक को वहां लाने के लिए एक गाड़ी भेजी जा रही है। डॉक्टर वॉटसन मुस्कुराते हुए बोला, शेरलॉक लगता है कि इंस्पेक्टर लेस्ट्रीड अपना केस जल्दी से जल्दी सुलझा लेने को बहुत उतावले हैं। वो देखो, उनकी भेजी हुई गाड़ी भी आ पहुंची है। शेरलॉक ने देखा उस होटल के बाहर एक गाड़ी खड़ी थी। शेरलॉक बोला, ये केस जितना उसका है उतना ही मेरा भी है। गाड़ी भेजकर वो बस हमारे काम को आसान कर रहा है। उस सनसनीखेज खबर का कोई ना कोई संबंध उस कार्डबोर्ड बॉक्स में मिले कटे हुए कानों से जरूर होगा। आओ जल्दी चलते हैं, डॉक्टर वॉटसन बोला। हम तो यहाँ होटल में कुछ देर आराम करने आए थे, शेरलॉक बोला। एक डिटेक्टिव हमेशा एक्टिव रहता है, उसकी जिंदगी में आराम का कोई पल तय नहीं होता वॉटसन। कभी कभी वही एक पल केस को सुलझाने में मददगार साबित होता है। ऐसा कहते हुए शेरलॉक डॉक्टर वॉटसन के साथ इंस्पेक्टर लेस्ट्रीड द्वारा भेजी गई गाड़ी में सवार हो गए। करीब डेढ़ घंटे बाद वो गाड़ी न्यू ब्राइटन के एक झील के किनारे आकर रुक गई। लेस्ट्रीड ने शेरलॉक को देखकर उत्साहित होते हुए उनसे हाथ मिलाया। एक बार फिर इंस्पेक्टर लेस्ट्रीड के चेहरे पर वही उम्मीद की चमक दिखाई दी जो क्रेटोन में शेरलॉक से मिलने के बाद दिखाई दी थी। लेस्ट्रीड को खुशी थी कि शेरलॉक उस केस में शामिल है, और वो खुश था कि केस सुलझने में अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। शेरलॉक और डॉक्टर वॉटसन ने देखा कि उस झील के किनारे कई लोग तमाशबीन बने खड़े पुलिस की कार्यवाही को बड़ी ही उत्सुकता से देख रहे थे। उन्हें देखकर डॉक्टर वॉटसन बोले, मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिर ये तमाशाही ऐसी हर जगहों में क्यों खड़े हो जाते हैं। शेरलॉक ने बड़ी ही सादगी से जवाब दिया, दुनिया का कोई भी शहर या गांव या कस्बा, हर जगह आपको तमाशाई मिल ही जाते हैं। तमाशाइयों का उस घटना से कोई लेना देना नहीं होता, फिर भी वो वहां जमा जरूर होते हैं। हर तमाशाही चाहता है कि उस घटना की हर नई बात उसको सबसे पहले पता चले और उसको उस घटना की सबसे ज्यादा जानकारी रहे। ये उनके स्वभाव में ही होता है। फिर वो दोनों इंस्पेक्टर लेस्ट्रीड के पास पहुंचे तो लेस्ट्रीड ने उन्हें बताना शुरू किया, शेरलॉक तुम्हें यहां बुलाने की वजह यह है कि यहां पुलिस को इस झील में दो लाशें मिली हैं। लेस्ट्रीड की यह बात सुनकर शेरलॉक होम्स ने उसको घूर कर देखा और कहा, तो तुमने मुझे यहां उन लाशों का क्रियाकर्म करने का इंतजाम करने के लिए बुलाया है। शेरलॉक की यह बात सुनकर डॉक्टर वॉटसन और इंस्पेक्टर लेस्ट्रीड की हंसी छूटते छूटते रुक गई, लेकिन स्थिति की गंभीरता को देखकर वो दोनों चुप ही रहे। सफेद कफन से ढकी हुई लाशों की तरफ बढ़ते हुए इंस्पेक्टर लेस्ट्रीड ने कहा, शेरलॉक मेरा मतलब ये था कि तुम ये बात सुनकर उछल पड़ोगे कि इन दोनों लाशों के एक एक कान गायब हैं, मतलब किसी ने इनकी हत्या करके इनके एक एक कान काट लिए हैं। डॉक्टर वॉटसन बोले, हाँ ये जानकारी तो हमारे काम की है शेरलॉक, हम पहले से मिस सुजन को मिले कार्डबोर्ड बॉक्स में कटे हुए कानों की तहकीकात तो कर ही रहे हैं। शेरलॉक बोला, इन दोनों का कत्ल कैसे हुआ ये तो हमें इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। अगर इनको मारने के बाद झील में फेंका गया होगा तो उनके पेट के अंदर झील का पानी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर इनको झील में डुबोकर मारा गया है तो पेट में झील का पानी जरूर मिलेगा। वैसे इंस्पेक्टर लेस्ट्रीड, आपने इस बारे में बोट क्लब के इंचार्ज से पूछताछ तो कर ही ली होगी। इंस्पेक्टर लेस्ट्रीड बोला, हाँ उसने पूछताछ में बताया कि ये दोनों तीन दिन पहले यहाँ आए थे, उन्होंने बोट किराए पर ली और बोटिंग एंजॉय करने के लिए झील में चले गए, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटे। शेरलॉक ने पूछा, खाली बोट मिलने पर उसने क्या किया? लेस्ट्रीड बोला, उसने इसे सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि अक्सर थोड़ी देर होने पर लोग एक्स्ट्रा पैसा देने के डर से बोट वहीं छोड़कर चले जाते हैं। शेरलॉक ने पूछा, क्या इनके बाद भी कोई और बोटिंग करने के लिए झील में बोट लेकर गया था? लेस्ट्रीड बोला,
हाँ, उसने बताया था कि इन दोनों के झील में जाने के थोड़ी देर बाद एक अधेड़ उम्र का लंबे चौड़े बलिष्ठ शरीर वाला एक गंजा आदमी बोट किराए पर लेकर झील में गया था, पर वो बहुत जल्दी बोट लेकर वापस आ गया था। शेरलॉक कुछ देर चुप खड़े रहकर सोचता रहा, फिर वो लाशों को देखने के लिए आगे बढ़ गया। वहां खड़े एक पुलिस वाले ने लेस्ट्रीड के इशारे पर लाशों के ऊपर से कपड़ा हटाया। डॉक्टर वॉटसन और शेरलॉक ने बड़ी सावधानी और सतर्कता के साथ लाशों का बारीकी से मुआयना किया। शेरलॉक को पुरुष की लाश की जेब में से ट्रेन के दो गले हुए टिकट भी मिले। उन लाशों का एक एक कान कटा हुआ था, लेकिन पानी में पड़े होने के कारण वहां खून के धब्बे नहीं थे। उनमें से एक लाश पुरुष की थी और एक स्त्री की। स्त्री की लाश की शक्ल देखकर शेरलॉक के चेहरे पर कुछ अजीब से भाव उभर आए। वो उस स्त्री की लाश को पहचानने की कोशिश कर रहा था। शेरलॉक बोला, इन दोनों के सिर पर घाव हैं। जरूर किसी भारी चीज से इनके सिर पर वार किए गए होंगे। शायद यही चोट इनकी मौत की वजह बनी, शेरलॉक ने क्लियर करते हुए कहा। लेकिन यह तय है वॉटसन कि इस स्त्री की लाश को देखकर मिस सूजन को एक बहुत बड़ा दिमागी झटका लगने वाला है। शेरलॉक होम्स ने झील में खड़ी बोट्स की तरफ देखा। बोट्स किनारे पर रस्सियों से बंधी हुई खड़ी थी। बोट्स में उन्हें चलाने के लिए चप्पू भी मौजूद थे। इंस्पेक्टर लेस्ट्रीड बड़ी हैरानी से शेरलॉक की कार्य प्रणाली को देख रहा था। शेरलॉक ने सभी बोट्स का मुआयना किया और उनके चप्पुओं को अच्छे से देखा। ये सब करते हुए शेरलॉक के होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। शायद शेरलॉक सोच रहा था कि हत्यारा कितना भी शातिर क्यों ना हो, गलती तो कर ही देता है, और शेरलॉक का काम ऐसी गलतियों की तलाश करना ही होता है। इंस्पेक्टर लेस्ट्रीड शेरलॉक को मुस्कुराता हुआ देखकर उससे बोला, शेरलॉक, क्या तुम्हें इस केस से जुड़ा कोई सुराग मिल गया है? इंस्पेक्टर लेस्ट्रीड इस केस के बारे में जानने को बेचैन नजर आया। शेरलॉक बोला, इंस्पेक्टर लेस्ट्रीड, एक डॉक्टर बीमारी के सिम्टम्स जानकर बीमार की पहचान तो कर लेता है, लेकिन जब तक फाइनल रिपोर्ट्स उसके हाथ में ना हो तब तक वो बीमारी को कंफर्म नहीं कर सकता। इस केस की कई सच्चाइयों को मैं जान चुका हूँ, लेकिन अभी बिना कुछ और सबूतों के मैं अपनी बात को पक्के रूप से आपको नहीं बता सकता। आप मुझे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दीजिएगा, उसके बाद मुझे उम्मीद है कि शायद मैं आपको उसकी सारी सच्चाई से रूबरू करवा सकूं। इसके बाद शेरलॉक और डॉक्टर वॉटसन वहां नहीं रुके और अपनी गाड़ी द्वारा वो लोग वहां से सीधा बंदरगाह चले गए, जहां आधा पौना घंटा बिताने के बाद वो सीधा अपने होटल चले गए। उसी शाम उन्हें एल्गर के द्वारा भेजा गया टेलीग्राम भी मिल गया, जिसका शेरलॉक को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। डॉक्टर वॉटसन समझ चुके थे कि काम एक बार फिर शुरू हो चुका है और उनका आराम करने का मकसद एक बार फिर से धराशायी हो चुका है। उस टेलीग्राम में एल्गर ने लिखा था, डियर शेरलॉक होम्स, आपके कहे अनुसार मैं मैरी के घर गया था, लेकिन उसके घर पर ताला लगा हुआ था। आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि मैरी 3 दिन से घर नहीं लौटी। उसका पति जेम्स ब्राउन शिप में होने की वजह से नहीं मिल सका। एल्गर। शेरलॉक को जैसे इसी टेलीग्राम की प्रतीक्षा थी। शेरलॉक ने डॉक्टर वॉटसन की तरफ मुस्कुराकर देखा और कहा, एक डिटेक्टिव हमेशा एक्टिव रहता है। उसके जीवन में आराम का कोई भी पल तय नहीं होता। कभी कभी वही, हाँ हाँ जानता हूँ, डॉक्टर वॉटसन शेरलॉक को बीच में टोकते हुए बोले, वही एक पल केस को सुलझाने में मददगार साबित होता है। तुमने पहले भी एक बार बोला था। चलो, मैं तैयार हूँ, तुम मुझे आराम नहीं करने दोगे। डॉक्टर वॉटसन अपने हथियार डालते हुए बोले, उनका आराम करने का सारा प्लान चौपट हो चुका था। शेरलॉक डॉक्टर वॉटसन की बात सुनकर मुस्कुराया और उसके बाद वो दोनों टेलीग्राफ ऑफिस पहुंचे। शेरलॉक ने इंस्पेक्टर लेस्ट्रीड को तुरंत एक टेलीग्राम भेजा, जिसमें लिखा था, मैरी का पति मिस्टर ब्राउनर मेडेशिप पर है। मेडेशिप कल जैसे ही बंदरगाह में पहुंचे, मिस्टर ब्राउनर को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। शेरलॉक। इंस्पेक्टर लेस्ट्रीड को टेलीग्राम लिखने के बाद शेरलॉक होम्स ने चैन की सांस लेते हुए कहा, हाँ वॉटसन, चलो अब हम आराम से डिनर कर सकते हैं और एक चैन की नींद भी ले सकते हैं। उसके बाद वो दोनों अपने होटल चले गए। अगले दिन उन्हें होटल में इंस्पेक्टर लेस्ट्रीड का भेजा हुआ एक और टेलीग्राम मिला। उस टेलीग्राम के मिलते ही दोनों पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकल पड़े। लेस्ट्रीड ने मिस्टर ब्राउनर को शिप से उतरते ही गिरफ्तार कर लिया था।
पुलिस स्टेशन पहुंचने पर लेस्ट्रेट ने उन्हें बताया कि मिस्टर ब्राउनर ने बिना किसी झगड़े के खुद को सरेंडर कर लिया था। शायद वो समझ चुका था कि खेल खत्म हो चुका है और अब वो अपने जुर्म से जितना ज्यादा इनकार करेगा पुलिस की उतनी ही यातना उसको झेलनी पड़ेगी। शेरलॉक ने देखा कि ब्राउनर एक लंबे चौड़े कदकाठी और उसी हुलिये का गंजा आदमी था जिसे बोट क्लब के इंचार्ज ने देखा था। ब्राउनर एक स्टूल पर बैठा हुआ था। लेस्ट्रेट ने शेरलॉक और डॉक्टर वॉटसन के लिए चाय ऑर्डर कर रखी थी। शेरलॉक ने चाय का एक घूंट पीते हुए झील में मिली लाशों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी। फिर उसने लेस्ट्रेट से उस कार्डबोर्ड बॉक्स को लाने के लिए कहा जो इस केस में एक अहम कड़ी था। लेस्ट्रेट ने उस बॉक्स को लाकर टेबल पर रखा। अब शेरलॉक की बारी थी। इंस्पेक्टर लेस्ट्रेट के साथ ब्राउनर भी ये रहस्य जानने को उत्सुक था कि आखिर शेरलॉक ने केस सुलझाया कैसे। शेरलॉक ने बोलना शुरू किया, मैंने आप लोगों से कहा था कि इस पार्सल में एक विशेष प्रकार की गांठ लगी हुई है। इस गांठ को देखते ही मैं समझ गया था कि कोई मेडिकल स्टूडेंट इस घटना में इन्वॉल्व ही नहीं हो सकता। ऐसी गांठ कोई नाविक ही लगा सकता है, ना कि कोई मेडिकल स्टूडेंट। फिर जब मिस सुजन ने मुझे मिस्टर ब्राउनर और फ्लेयरबर्न के बारे में बताया तो मेरा ध्यान उन दोनों की तरफ गया क्योंकि वो दोनों ही नाविक थे। लेकिन दरिंदगी भरा वो काम केवल एक ही इंसान का था। झील में मिली उस औरत की लाश पहचानने लायक नहीं थी, लेकिन मुझे ये शक था कि वो मिस सुजन की दोनों बहनों में से कोई एक है। मिस सुजन के घर पर मैंने बॉक्स में मिले कान और मिस सुजन के कान को बड़े गौर से देखा था। दोनों कानों में काफी समानता थी। मुझे तभी लगा था कि यह कटा हुआ कान मिस सुजन की दोनों बहनों में से किसी एक बहन का हो सकता है। बायोलॉजिकली अक्सर भाई बहनों के शारीरिक अंगों में काफी हद तक समानताएं होती है, इसलिए झील में मिली कान कटी लाश देखते ही मुझे उसके मैरी या सारा दोनों में से किसी एक के होने का शक हुआ। लेकिन इस बारे में मैं आश्वस्त होना चाहता था। इसकी तहकीकात करने हम मिस सुजन की पहली बहन सारा के घर पहुंचे। सारा बीमार थी मगर यह कंफर्म हो गया था कि वो जिंदा थी। अब हमें उससे मिलने की भी कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि वो जिंदा है या नहीं हमें बस यही पता लगाना था। उसके बाद मैंने अपने एक जासूस मित्र एल्गर को लिवरपूल में रह रही मिस सुजन की दूसरी बहन मैरी का पता लगाने का काम सौंपा। एल्गर के जवाब के बाद मेरा संदेह पक्का हो गया कि झील में मिली लाश मैरी की ही थी क्योंकि वो 3 दिन से गायब थी। मिस सुजन को मिले बॉक्स में उसी का कान काटकर रखा गया था। पहले मेरा शक लिवरपूल में रहने वाले मैरी के दोस्त फ्लेयरबर्न पर भी गया क्योंकि वो भी नेवी में एक स्टूअर्ट था। शादी से पहले उसके मैरी के साथ अच्छे संबंध थे। मिस सुजन को भेजे गए पार्सल में वो भी ऐसी गांठ लगा सकता था। लेकिन झील में खड़ी बोट्स की जांच में मैंने बोट में खून के धब्बे देखे। एक दूसरी बोट के चप्पू के अगले हिस्से पर मैंने खून के दाग देखे। बोट क्लब हाउस के इंचार्ज ने एक हट्टे कट्टे गंजे आदमी का जिक्र किया था जो मैरी और उसके साथ गए उसके दोस्त के झील में जाने के बाद झील में बोट लेकर गया था। फिर वो जल्दी ही लौट आया। वो इंसान फ्लेयरबर्न नहीं था क्योंकि बंदरगाह में मेडे शिप के ऑफिस में ब्राउनर के बारे में पूछताछ के बाद ये कंफर्म हो गया था कि बाद में बोट लेकर जाने वाला गंजा शख्स ब्राउनर ही था और मुझे ये कंफर्म हो चुका था कि वही हत्यारा है। वहीं से मुझे उसके बारे में और जानकारियां भी मिली, जैसे अक्सर उसका अपनी पत्नी मैरी से झगड़ा होता रहता था और हत्या वाले दिन जब मेडे शिप की खराबी के कारण वो जल्दी घर लौट आया तो उसने अपनी पत्नी मैरी को तैयार होकर कहीं जाते हुए पाया तो उसे उसकी गतिविधियों पर शक हुआ। उसने मैरी का पीछा किया और मैरी को खुशी खुशी फ्लेयरबर्न से मिलते देखकर उसका खून खौल गया। दोनों एक ट्रेन से ब्राइटन जा रहे थे। मौसम काफी ठंडा और धुंध भरा था। उन्होंने बोट किराए पर ली और बोटिंग के लिए निकल गए। ब्राउनर गुस्से से अपने जबड़े भींचे लगातार उनका पीछा करता रहा। उसे मैरी की बेवफाई पर उसे नफरत हो रही थी। उसका दिल किया कि इसी समय जाकर उसका गला दबा दे। उसने एक बोट किराए पर ली और झील में उनके पीछे पीछे उनकी बोट तक जा पहुंचा। ब्राउनर को अपने सामने देखकर मैरी और फ्लेयरबर्न के होश उड़ गए। गुस्से से भरे ब्राउनर ने अपने हाथ में पकड़े भारी भरकम चप्पू का एक जोरदार वार फ्लेयरबर्न की खोपड़ी पर किया और उसकी खोपड़ी टूट गई। फ्लेयरबर्न खून से लथपथ होकर बोट में गिर गया। उसका खून बोट में फैलने लगा।
उस जोरदार प्रहार से उसकी तुरंत ही मौत हो गई। गुस्से से भरा ब्राउनर वहीं नहीं रुका, उसने वैसा ही मैरी के साथ भी किया। चप्पू के एक और जोरदार प्रहार से मैरी की भी मौत हो गई और उसने दोनों लाशों का एक एक कान काट लिया और फिर लाशों को पानी में फेंक दिया। उसने बोट और चप्पू पे लगे खून के धब्बों को पानी से धोने की कोशिश भी की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह भी साबित हो चुका है कि लाशों के पेट में पानी नहीं पाया गया था। इसका मतलब था कि उन्हें मार डालने के बाद ही पानी में फेंका गया था, क्योंकि अगर उन्हें डुबोकर मारा गया होता तो फिर हत्यारा पानी में जाकर झील में डूबी हुई लाशों के कान नहीं काट सकता था। क्यों मिस्टर ब्राउनर, प्राप्त सबूतों के आधार पर क्या मेरी कहानी सही है? चाय की अंतिम चुस्की लेते हुए शेरलॉक ब्राउनर की तरफ देखते हुए बोला। लेस्ट्रीड और डॉक्टर वॉटसन भी उसी की तरफ देख रहे थे। ब्राउनर बोला, आपकी इन्वेस्टिगेशन कमाल की है मिस्टर शेरलॉक होम्स। ब्राउनर अपने अपराध और सजा से जरा भी भयभीत नहीं था, बल्कि वो शेरलॉक की तारीफ करते हुए बोला, आपने पूरी कहानी ऐसे बयां की है जैसे खुद अपनी आंखों से पूरा क्राइम होते हुए देखा है। हाँ, मैंने ही दोनों कत्ल किए हैं। मुझे अपना अपराध स्वीकार करने में कोई शर्म या हिचक नहीं हो रही, क्योंकि मैं मैरी से प्यार करता था। वो मेरी पत्नी थी, दूसरे पतियों की तरह मैं भी उससे वफादारी की उम्मीद करता था, पर उसने मेरे साथ विश्वासघात किया और मुझे धोखा दिया। हमारे बीच गलत फहमियां तब शुरू हुई जब एक बार उसकी बहन सारा हमारे यहाँ रहने आई। इसी बीच सारा मुझे चाहने लगी थी, लेकिन मैंने उसके प्यार को स्वीकार नहीं किया। मैंने उसको कहा, तुम पागल हो गई हो सारा, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी बहन का पति हूं। सारा चिल्लाते हुए बोली, तुम उसे तलाक दे सकते हो। मैंने उससे कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं मैरी से बहुत प्यार करता हूं, जैसे तुम मुझे पाना चाहती हो, मैं मैरी को खोना नहीं चाहता। सारा झल्लाते हुए बोली, अगर प्यार का नाम पाना ही है तो मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहती हूं। वो अपने आपे से बाहर हो रही थी। मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं देना चाहता था, मगर सारा मेरे प्यार में पूरी तरह पागल थी। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी, और फिर वो नाराज होकर चली गई। बस यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो गई। सारा ने मैरी के कान में मेरे खिलाफ जहर भरना शुरू कर दिया। उसके दिमाग में ये भी भर दिया कि उसका जिगरी दोस्त फ्लेयरबन उसके लिए परफेक्ट है। फिर मैंने भी पाया कि मैरी मुझे इग्नोर करके फ्लेयरबन से नजदीकियां बढ़ाने लगी। मेरी चेतावनी के बाद भी वो ऐसा करने से बाज नहीं आए। उन्होंने शादी तक करने का फैसला कर लिया था। फिर जब उस दिन मैंने मैरी को खुशी खुशी फ्लेयरबन से मिलते देखा तो मैं खुद पर काबू नहीं कर सका। मैंने फ्लेयरबन को मार डाला। इंस्पेक्टर लेस्ट्रीड ने उसे टोका, लेकिन जब तुम अपनी पत्नी से इतना प्यार करते थे तो तुमने उसे मार क्यों डाला? ब्राउनर बोला। नहीं इंस्पेक्टर, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। उसके धोखे के बाद भी मैं उसे माफ करने को तैयार था। उसके बाद ब्राउनर ने दांत भींचते हुए कहा, लेकिन जब मैंने देखा मेरी फ्लेयरबन की लाश के ऊपर गिरकर फूट फूट कर रो रही थी, तब मैं गुस्से से पागल हो गया। मेरा प्यार उसके लिए सच्चा था, लेकिन वो गैर मर्द की मौत पर ऐसे रो रही थी जैसे वो उसका सब कुछ हो। ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं था, शायद किसी भी आदमी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं हो। इसलिए मैंने उसे मार डाला, और उसकी बहन सारा को सबक सिखाने के लिए मैंने उनके कटे हुए कान एक कार्डबोर्ड बॉक्स में डालकर सारा को भेजे, जो उस वक्त मिस सुजैन के घर पर रह रही थी। मैं सारा को बताना चाहता था कि जो जहर उसने अपनी बहन के कानों में उड़ेला था, देखो उसका अंजाम क्या हुआ। लेकिन सारा बीमारी के कारण वहां से चली गई और मेरा भेजा हुआ पार्सल मिस सुजैन को रिसीव करना पड़ा, जबकि इस सबसे उस बेचारी का कोई लेना देना ही नहीं था। ब्राउनर, अगर तुम अपनी पत्नी को माफ ही करना चाहते थे तो उसे तलाक दे देते, कम से कम इस अपराध से बच जाते और जेल जाने से भी। ब्राउनर को जेल भेज दिया गया और मिस सुजैन को इस केस की गुत्थी सुलझ जाने की सूचना भेज दी गई। अपनी एक बहन की करतूत और दूसरे की मौत का उसे बेहद अफसोस था, और ब्राउनर और फ्लेयरबन के लिए भी वो दुखी थी। केस सॉल्व हो चुका था। तब शेरलॉक और डॉक्टर वॉटसन जाने के लिए उठ खड़े हुए। इंस्पेक्टर लेस्ट्रीड ने दोनों का शुक्रिया अदा किया, फिर उनसे हाथ मिलाते हुए मुस्कुराकर बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शेरलॉक होम्स, ये केस सिर्फ आप ही सुलझा सकते थे। वैसे मेरे पास एक और किडनैपिंग का केस है,
अगर आप चाहें तो। शेरलॉक ने मुस्कुराते हुए इंस्पेक्टर लेस्ट्रीड के कंधे पर हाथ रखा और बोला, इस केस को तुम अच्छे से सुलझा लोगे इंस्पेक्टर, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। उसके बाद शेरलॉक और डॉक्टर वॉटसन वहां से चले गए और ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल में कई और दिलचस्प कहानियां हैं, उन्हें भी जरूर सुनें, चैनल से जुड़े रहें। इस कहानी को और मुझे यहां तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।